बाबू, छोटे बाबू दिखाओ, यहाँ पे चोट लग गई, देखा ना, ये देखो खून, ये दांत लगे इसके यहाँ पे, ये देखो हमारे यहाँ की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जब ये सुबह सुबह उठता है ना, तो इसका नाटक क्या रहता है कि सुबह उठ के ना रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना है, गोद में बैठना है ऐसे, यूँ लेके। अगर ये ऐसे बैठा लेंगे हम इसे ना, तो तब ये चुप रहेगा, और नहीं बिठाएंगे तो मम्मी मम्मी बस रोता रहेगा। अभी मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ ना आपसे, तो इसलिए ये चुप हो गया, वरना इसका रोना बंद नहीं होता बिल्कुल भी, है ना बाबू? जान बाबू, ऐसे करते हो ना आप? और एनू हमारी, ये हमारी ऐसी बच्ची है कि इसको कोई मतलब नहीं, आराम से बेचारी सुबह को उठेगी, बस ऐसे बोले कि कुछ खाना है, और बस इतना कह के इसका बस पेट भर जाएगा। ये कभी रोती नहीं सुबह उठ के, लेकिन ये हमेशा डेली का काम इसका रोना धोना और गोद में आकर बैठना। गोद में सो जाएगा तुरंत, जैसे ही इसे नीचे लिटाएंगे सुलाने के लिए, तुरंत उठ जाएगा, एकदम इसकी आँख खुल जाएगी, जैसे कोई मतलब इसके कोई ऐसा अलार्म फिट हो कि नीचे लिटाते से, मतलब सेंसर फिट हो कि नीचे लिटाते से पता चल जाता कि मुझे नीचे लिटा दे, एकदम इसकी आँख खुल जाएगी और गोदी में भरपूर नींद सोया रहता, गोदी में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ रो रो, और मैंने आपके बारे में बता दिया सबको, देखो मेरा बाबू, ये देखो मम्मी इसके लेके आई है, ये देखो ये आपके खाने के लिए नाश्ता आ गया आपके पास, आप भी खाओगे दोनों बच्चे? और आनू, आपके लिए मम्मी ने क्या बनाया है? तो ये है गुड मॉर्निंग की शुरुआत बच्चों के साथ। दुकान पे चलने का टाइम हो गया, कपड़े पहन लिए दो तीन, एक जो शर्ट पहन ली, एक इसके अंदर जो क्या है इनर पहन लिया, और एक इसके अंदर टी शर्ट पहन ली। भैया बारिश पड़ रही बाहर बहुत, रात भी बहुत तगड़ी बारिश पड़ी, कल भी बहुत बारिश हुई पूरी रात। हाँ बहुत तगड़ी बारिश पड़ी पूरी रात, और अब जो है इस टाइम बारिश रुकी हुई, पर मौसम हो रहा है काले काले, नहीं बादल हो रहा है काले काले एकदम, मौसम हो रहा है काले काले, हाँ वही बादल काले काले हो रहा है एकदम, तो बारिश अभी किसी भी वक्त पड़ सकती, और भी काफी ठंडा मौसम है। तो देखो इन्हें भी दोनों को, जोकर लोगों को, अनाया को भी और जियान को भी पहना दिए गर्मा गर्म कपड़े। क्या पहन रखे ये? गर्म कपड़े। एनू ने क्या पहनने? कलम। एनू ने वो जेली की टॉफी खाई ना, अभी मैंने जेली की टॉफी दी ना, ये रही इसके हाथ में। एनू की बात सुनो। हाँ बताओ। हाँ जर्सी किसने पहनाई? किसने पहनाई? पापा ने पहनाई, मेरा नाम लिया करो, पापा ने पहनाई। हाँ अब तो इन्हें गर्म कपड़े पहना दिए, अब भैया तुम अपने खुद पहन लियो, अब मेरा चलने का टाइम हो गया दुकान पर, मैं चल लिया, फिर मिलेंगे बाद में थोड़ी देर में, ठीक है? तो फिर बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय, एनू बाय, जियान बाय बाय बाय। मौसम दिखाता तो मैं बाहर का कैसा मौसम हो रहा इस टाइम, मेरे पीछे देख रहे हो कितना बेस्ट मौसम है, बादलों में चारों तरफ कारी कारी बधिरा छा गई चारों तरफ, क्या प्यारा मौसम है, है नी बहुत ही बेहतरीन। एनू बेटे गिरा देती है अभी मुझे लग रहा है ना, बारिश हो सकती है किसी भी टाइम, और तकड़ी बारिश है, बारिश पड़ी थी सुबह पानी, ठीक है फिर चलता हूँ मैं, चलो फिर बाय 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 बाय, जाते हैं हम, बाय 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 बाय। चलो ठंड लग रही है वैसे तो आज मुझे काफी, बाय 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 बाय। तो भैया मैं पहुंच गया अपने काम पे, अरियोरी मेरी मशीन इधर, अरियोरिया मैं, अरियोरिया मेरे क्या काम, तो बस अपना काम शुरू करते थोड़ी बहुत देर में, फिर मुझे जो है कुछ घर पे सामान भी लेकर आना, पहले काम कर लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद सामान देने जाऊँगा, करते थोड़ी सी मजदूरी। श्रीनगर का मौसम कितना प्यारा हो गया, ये देखो एकदम बारिश वरिश पड़ रही है, मज़ा आ गया मौसम में आज के। और फिलहाल मैं यहाँ पे लहसुन लेने के लिए आया था थोड़ा सा, थोड़ी सी सब कुछ और नहीं लेना मुझे, अब चलता हूँ मैं अपने रूम पे। ये देखो सामने का मौसम कितना ज़बरदस्त है, बादलों से जो है पहाड़ भी पूरा ऐसा हो गया एकदम ब्लैक, बारिश हो रही आज भी। यहाँ दाल क्या है कि मैंने क्या ली है, ये ली दाल है इसमें, और इसमें वो सब्जी की दुकान से लाया थोड़ी सी हरी मिर्च भी है इसमें। अभी रूम पे जा रहा हूँ, रूम मेरे ऊपर देख रहे हो कैसे बादल छा रहे हैं, पीछे देखो मौसम कितना ज़बरदस्त है आज का, और इधर पीछे देखो कैसी हरियाली हो, क्या प्यारा मौसम है आज का। और अब देखते हैं
हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये लेके आया हूँ सामान, ये अंधेरा कर रखा है मेरा। ये खेलेंगे 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 खेलेंगे। तो अनाया रो रही है कि पापा कुछ खाने का सामान लेकर आए हैं, लेकिन वो कुछ खाने के लिए तो नहीं लाए, दाल और लहसुन लेके आए हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा, मैं एनु की एक चीज दिखाना चाहती हूँ। एनु आज क्या बना रही थी? A4 एप्पल, और ये सारे ए एनु ने बनाए हैं। अब बाबू कितने आराम से बैठा है ना, हाँ? आप नहीं रोते ना। ये आ गया कीड़ा, कीड़ा आ गया, कॉकरोच आ गया एनु की कमर पे, कॉकरोच। कट 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 कट। भाई साहब तूने सही करा, हाँ मैं तो जो है ना ब्लॉग शूट करने में लग गई, और इसने देख लो यहाँ पे सारी दाल, यहाँ तक कि ये कागज की थैली में थी ना, तो इसलिए इसने फाड़ दी। ये क्या चाहिए कॉम्बी को, बिस्किट नहीं मिलेगा। हे हे हे। खोल के खाना है, खुद से नहीं खुलेगा, खोल के तो दिखाओ। मौसम अब भी ठीक नहीं हुआ, बारिश अब भी पड़ रही है। क्यों रो रही हो? लड़ाई कर रहे हैं कुरकुरे खाने के ऊपर, जबकि मैंने दोनों को बराबर बराबर दिए बांट के, इसने खा के उसके लिए रो रहा, उससे ले रहा है। नहीं बेबी नहीं लेते, पापा केले का है इसमें, देखो पापा केले का है इसमें, बताओ इसमें क्या है, बताओ। चप्पल लग रही है शायद, खाना कैसे चप्पल लाए, देखो चप्पल। ये दोनों पहन के तैयार हो गए दोनों, मुझसे पहले एक के, एक ने इस पैर में और एक ने इस पैर में। ठीक है भाई चल आऊं मैं दुकान पर, ठीक है? जा रहे हैं बारिश में, बारिश में ही जा रहा हूँ मैं। ये मौसम खराब भले सही है, लेकिन सही है, मतलब बारिश हल्की हल्की पड़ रही है आज, बारिश का मजा लो। बाय 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 बाय। मैं कुछ नहीं लाया हूँ, देखो ये देखो कैसे पागल लोग हैं। मेरे आते ही ना कमरे पर आया ना, आप देख लो कैसे दोनों, ये रोज डेने का मामला है, रोज इनकी ये हालत रहती है दोनों। जैसे बंदर दांत लगे, दांत होंठ में लगे इसके, दांत ना लगे। अरे दिखाइए बाबू, दिखाइए बाबू होंठ दिखाइए अपना, दिखाइए ऐसे कर, आ आ दिखाओ, आ पापा को दिखा दो, यहाँ देखो दिखाओ तो सही बाबू, छोटे बाबू दिखाओ, यहाँ पे चोट लग गई देखा ना, ये देखो खून, ये दांत लगे इसके यहाँ पे। नहीं नहीं बस मैं टॉफी खिलाता हूँ ना, खून निकल गया बेचारे के बाबू के। अभी बाबू के इसके होंठ पे ना इतनी तेज ना ये पलम लग गया था, जब मैं चीज लेकर आया था ना एकदम से इसके होंठ पे लगा, इसका होंठ भी ना यहाँ से सूज गया बाबू का, और खून भी निकला है ना थोड़ा सा यहाँ से, तो वो साफ कर दिया। फिर मैंने इसे ना जेली वाली टॉफी खिलाई, बाबू बता रहा है मेरा, हाँ मेरा बाबू पैर पे नून हो गया, बच्चे के पैर पे नून हो गया थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं बेटे नहीं उछलता, नहीं देखो आपका होंठ सूज गया ना, अब आप ऐसे नहीं उछलते, हाँ ठीक है चलो। अब इनको मैं ये खिलाता हूँ, इनके लिए लाया था, इनकी खुशी का आज दुख में बदल गई इसकी वजह से, खा ले बेटे।